तो भैया आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण। कक्षा 10 में मतलब हाई स्कूल में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, और इसको पूरा का पूरा चैप्टर हम आज इस उंगली पे कर लेंगे सिर्फ इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, ऐसे नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, लिख लिख के एकदम रटा रहा हूँ, दिमाग में रटा रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता, सब सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि अम्ल, क्षार और लवण ये होते क्या है। तो सबसे पहले आते हैं भैया अम्ल पे। ठीक है, अम्ल को बोलते हैं एसिड, आप लोग जाते होंगे अच्छे से जानते होंगे एसिड अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल देखो, एक प्रकार से देखें तो अम्ल मतलब आप जो भी चीज खाते हो ना, एक प्रकार से छोटा सा सेंस के लिए आप समझ सकते हो खट्टा लग रहा है। ठीक है, तो वो हो गया अम्ल। एक बार आपके दिमाग में भी आ जाता होगा कि खट्टा लग रहा है तो हाँ वो अम्ल है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं एकदम बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक है, देखो मैं रखा हूं यहां पर नींबू, इका है नींबू है, थोड़ा कच्चा लग रहा है हरा हरा, लेकिन कोई बात नहीं, ये नींबू है, नहीं है यार पका हुआ है। ठीक है, ये है चाकू, इसको है हम काट रहे हैं। ठीक है, इसको हम काट रहे हैं, साला बहुत टाइट है, जूस निकल रहा है, देखो आहा, देखो बहुत ज्यादा खट्टा है। ठीक है, ये इतना खट्टा है, इतना ज्यादा जब खट्टा है तो कहने का मतलब ये हो गया अम्ल। और ये चीज जो है बहुत ही, अब अम्ल के भी प्रकार होते हैं कई सारे। ठीक है, एक तो आप ये जान लीजिए कि जो चीज हम खट्टा खाते हैं वो हो गया अम्ल, चाहे वो आप नींबू खा रहे हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो आंवला हो, कुछ भी आप खट्टा खट्टा सा खा रहे हैं तो कहने का मतलब ऊपरी ऊपरी आप समझ लीजिए कि भैया अम्ल है। ठीक है, अब देसी भाषा में तो आपको समझ में आ गया हाँ ये अम्ल क्या होता है। ठीक है, और अम्ल के भी प्रकार होते हैं कई सारे, एक हो गया प्रबल अम्ल, एक हो गया निर्बल अम्ल। ठीक है, कहने का मतलब निर्बल अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो बहुत ही ज्यादा खट्टा रहे। ठीक है, जैसे ये नींबू है, इसका रस निचोड़ेंगे अगर अभी हम ना, एकदम खट्टा खट्टा लगेगा, देखिए ये बहुत ही ज्यादा खट्टा है, रियल में बहुत ज्यादा खट्टा है, तो ये एकदम प्रबल अम्ल हो गया। कहने का मतलब जो बहुत ही ज्यादा खट्टा है, अपर लेवल में उसकी गिनती हो रही है, तो वो क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। और दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल वो होता है जो बहुत ही कम खट्टा हो, जितना ज्यादा कम से कम खट्टा होता जाएगा वो हो जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया नींबू, ये बहुत ही ज्यादा खट्टा है तो ये हो गया प्रबल अम्ल में आएगा, और उससे थोड़ा सा नीचे आता जाएगा, जितना जितना कम होता जाएगा खट्टापन उतना ही ज्यादा ये दुर्बल अम्ल होता जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा नींबू बहुत ज्यादा खट्टा है, इससे थोड़ा सा कम खट्टा होता है संतरा आपका, तो ठीक है नींबू से कम खट्टा होता है थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा कम है, फिर उससे भी थोड़ा सा कम, ऐसे जितना कम से कम खट्टा होता जाएगा वो होता जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसको एसिड बोलते हैं। ये हो गया, मैं आपको पूरा लिख करके अच्छे से बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये आप पेपर में लिख करके आएंगे, इसको मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं, आपके दिमाग में एक बार चिपक जाएगा, कभी आप बोलने वाले नहीं है इसे, और जो है मैं आपको पेपर में लिखने के लिए पूरा अच्छे से परिभाषा सूत्र सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, तो उसकी टेंशन आप ना लीजिए, मैं वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताता चल रहा हूं। आप पहले देखिए, ये हो गया अम्ल। अब उसी प्रकार से देखो क्षार क्या होता है, अभी मैं अम्ल की पूरी परिभाषा बताऊंगा, आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। नींबू को रख दिए हम, मतलब अम्ल को हमने रख दिया। ठीक है, अब हम अभी क्षार को बताएंगे। ठीक है, तो भैया देखो क्षार क्या होता है, अम्ल था जो बहुत ही ज्यादा क्या होता था, खट्टा होता था। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, जो बहुत ही ज्यादा खट्टा होता था उतना ज्यादा प्रबल होता जाएगा। ठीक है, और जो खट्टे में ही रहे, चाहे माइन्यूट सा खट्टा हो, थोड़ा सा कम खट्टा हो, वो हो गया दुर्बल अम्ल। अब भैया क्षारक क्या होता है, जब अम्ल था बहुत ही ज्यादा खट्टा, अब क्षारक वो होता है जो खट्टे से नीचे 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 आने के बाद एक लेवल पे आ जाता है, हाँ अब ये उदासीन हो गया है, नॉर्मल हो गया है, अब उससे भी नीचे जाने लगी कोई चीज। कहने का मतलब खट्टा तो चलो ठीक है थोड़ा ऊपर उठ रहा था, लेकिन अब नीचे जाने लगे, मतलब माइनस में जाने लग जाए, तो आप समझ लो भैया ये क्षार है। कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि सोडा समझ सकते हो आप, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मतलब कि NaOH KOH वगैरह हो गया, साबुन हो गया आपका NaOH, चाहे कपड़ा धुलने का साबुन हो, चाहे नहाने धोने का साबुन हो, साबुन तो साबुन है, तो वो भी हो गया क्षार। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेस इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया क्षार आपका, तो ये आप समझ रहे होंगे कि अम्ल किसको बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे, कहने का मतलब जो बहुत ही ज्यादा खट्टा खट्टा सा होता जाए, वो हो गया आपका अम्ल। और क्षार क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में होता जाए, मतलब कि माइनस में होता चला गया, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं मेंटली, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, दिमाग से आप अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं, तो ये हो गया आपका क्षार। और इसमें भैया प्रबल क्षार होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा नेगेटिव रहे, जैसे कि हो गया आपका NaOH वाला साबुन। ठीक है, KOH। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रबल
क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। और जो उससे थोड़ा सा मतलब कि ट्रेंडिंग टू मतलब एकदम पास में आता रहे अम्ल के, लेकिन अम्ल ना रहे, मतलब उदासीन के पास आता रहे पर वो उदासीन ना रहे, तो वो हो गया भैया क्या हो गया, वो दुर्बल क्षार हो गया, ये हो गया अम्ल क्षार। अब इसकी हम परिभाषा देखो, ये तो हम लिखेंगे नहीं वहां पे, लेकिन इतना मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, मैं पागल तो हूं नहीं, ऐसे आपको जो समझा रहा हूं देसी भाषा में, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये अगर आप देसी भाषा में एक बार आप अगर समझ गए अपनी लैंग्वेज में, अपनी व्यवहारिक भाषा में, तो आपके दिमाग में एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर आपको चाहे परिभाषा याद रहे चाहे ना याद रहे, आपको समझ में आ गया भैया अम्ल क्या होता है। अगर कुछ भी नहीं आता आपको, फिर भी उसके बारे में आप बना बना के काफी कुछ गाथा लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, कहीं पर भी आपको बिठा दें पेपर ऊपर में, आप आराम से पास हो जाएंगे, अच्छे से आप लिख लेंगे। तो ये हो गया एक ऊपर से ऊपर निगामी, मतलब अच्छे से आप समझ लिए कॉन्सेप्ट को। पहला फायदा इसमें यह है कि आप इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं जो आप समझ लिए। दूसरा फायदा यह है कि आप बना बना कर भी जितना चाहे इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अम्ल क्षार, ये तो हो गया देसी भाषा में। अब भैया अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो यौगिक जल में घुल करके H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये हो गया इसका शुद्ध परिभाषा। अभी मैं आपको पूरा लिख करके अच्छे से बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये हो गया आपका अम्ल की परिभाषा, एसिड की परिभाषा। और क्षार में क्या रहता है, जो जलीय विलयन में घुल करके OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्या, क्षार। अब देखो H+ आयन, H+ मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, समझ लो आप लोग, जो मैं भी आपको समझाया, और OH- आयन देगा वो क्षार कहलाएगा, अर्थात वो नेगेटिव में जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूं बस आप उसी को अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। मैं आपको लिख करके पूरा अच्छे से परिभाषा वगैरह कराऊंगा तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप कभी भूलने वाले नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देकर के समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका अम्ल और क्षार। इसकी सबसे खास विशेषता क्या है अम्ल और क्षार की, देखो भैया, जो अम्ल होता है ना, एक लिटमस पेपर नाम का चीज आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग, लिटमस पेपर आता है। जो लिटमस पेपर आता है उस नीले लिटमस पेपर को, नीले रंग का लिटमस पेपर होता है, अगर आप उस लिटमस पेपर पे, जैसे अभी मैंने नींबू लिया था ना, इस नींबू को अगर उस पर निचोड़ेंगे ना, इसके जूस को, अगर वो लिटमस पेपर, वो जो लिटमस पेपर है अगर वो लाल हो गया, मतलब नीला लिटमस पेपर अगर लाल लाल हो गया, तो आप समझ जाइए भैया वो अम्ल है, ठीक है। तो वो अम्ल होता है, इसकी खास विशेषता होती है अम्ल की, कि वो जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये वन वर्ड में आ जाता है, ठीक है, कि कौन जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, फिर नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, एकदम व्यवहारिक भाषा में समझ लोगे भैया जो इसमें क्या रहेगा, कि इससे पहला बेनिफिट ये है कि कम से कम समय में आप अच्छे से चीजों को समझ में लिए दिमाग में, और इसको आप कभी भूलेंगे नहीं, और जितना चाहे इसके ऊपर आप सकते हैं बना बना के दिमाग से। आपको मेन चीज होता है समझना, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने का तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, आप उसको समझ करके याद कर लेंगे, एग्जाम में लिखने पर का आपका इनफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया क्या, H+ आयन और OH- अम्ल और क्षार। अब उसके बाद आता है आपको लवण, ठीक है। तो जो लवण होता है आपका, ये ना H+ देता है ना OH- देता है, बल्कि ये इन दोनों से, मतलब इन दोनों से हट करके कोई अन्य चीज देता है, वो क्या होता है, वो लवण होता है। लवण का मतलब आप एक प्रकार से दिमाग में समझ सकते हो भैया, उदासीन टाइप का, जो ना ऊपर रहे पॉजिटिव में, जो ना नीचे रहे नेगेटिव में, वो बीच में रहे, जिसको एक प्रकार से आप समझ सकते हो उदासीन है। जैसे कि मान लीजिए आप कहने, मतलब मान लीजिए आप नमक हो गया NaCl, नमक को अगर आप तोड़ेंगे, NaCl का सूत्र होता है, तो ये बनेगा Na+Cl-, Na+ और Cl-। तो कहने का मतलब ना इसमें H+ आयन दे रहा है टूट करके, ना OH- आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नमक NaCl, ये हो जाएगा आपका लवण, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल क्षार और लवण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कभी कभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाता है, जो कि 6 नंबर का होता है, और जो है कभी कभार ये जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी लघु उत्तरी में भी आ जाता है, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर कराते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना बताया और नहीं बताऊंगा, मैं आगे सब कुछ आपको बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ तो भैया, अब आपका अम्ल क्षार और लवण, ये तीनों मैं आपको बता दिया व्यवहारिक भाषा में, अच्छे से आपने समझ लिया, लेकिन अगर ये आपके बोर्ड पेपर में आ गया तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरा अच्छे से लिख के, आपको पूरा आपकी संतुष्टि के लिए मैं पूरा अच्छे से लिख करके बताऊंगा कि आप सेम टू सेम यही चीज़ें लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलने वाला है। देखिए, जैसे कि मैं पहला आपको बताऊंगा अम्ल, ठीक है, क्या बताऊंगा अम्ल, तो अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड, ACID, इसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। इसमें मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने जितना कुछ भी बताया वो एकदम परफेक्ट है, आप उसको चाहे तो बना करके भी लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपकी संतुष्टि के लिए मैं बताऊँ तो मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से बता ही देता हूँ लिख करके परिभाषा, ठीक है। तो
जैसे कि पहला हो गया अम्ल, तो इसमें चाहे आपका कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, चाहे कोई आपका 4 नंबर का आ गया, कितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, जो मैं परिभाषा आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप सेम टू सेम यही परिभाषा, यही डेफिनेशन अगर आप अपने एग्जाम में लिख करके आते हैं, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 6 में 6 नंबर मिलेगा, 4 में 4 नंबर मिलेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको लिख करके पूरा अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको यही वाला परिभाषा लिखना है। तो आइए भैया देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होगा अच्छे से पूरा। वैसे तो मैंने आपको बताया है, पर आइए देख लेते हैं। जो तभी नींबू खाया था अभी तक खट्टा लग रहा है, वो कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, खैर कोई बात नहीं, आइए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखिए भैया अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल की अगर हम सही परिभाषा की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। एकदम साफ टू एकदम मतलब फ्रेश परिभाषा है, ठीक है ना। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये हो गया एक छोटी सी परिभाषा जिसमें आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसका मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण आइए देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं अम्ल का उदाहरण क्या होगा। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब जो भी अम्ल है आपका, मान लीजिए आपका HCl एक अम्ल है, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये जलीय विलयन में टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा तभी अम्ल कहलाएगा। तो इसको चलिए तोड़ते हैं, H+ और Cl- आयनों में ये टूट जाता है। तो कहने का मतलब HCl बराबर H+ Cl-, तो ये देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है, ये देखिए H+ आयन दे रहा है ना, तो इसी कारण से ये जो है अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल की परिभाषा ये हो गई और ये हो गया उसका उदाहरण। तो ठीक है भैया, मार्कर की स्याही थोड़ी सी खत्म हो गई थी, तो हमने जो है स्याही डाल ली है, अब हमने थोड़ा नीला वाली स्याही डाली है, तो ये थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, इसके लिए कोई बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका अम्ल। तो मैं इसको इसलिए आपके सामने लिख दिया कि आप जो सेम टू सेम यही लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, इसलिए आप यही सेम टू सेम अच्छे से याद कर लीजिए और यही आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गया एक अच्छा सा जो है ये पूरा डेफिनेशन और ये उदाहरण। अब इसी प्रकार से आप देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। HCl का एग्जांपल ले लिया हमने, H+ और Cl- में टूटेगा, तो H+ दे रहा है, इस कारण से ये जो है अम्ल हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे अम्ल क्या होते हैं, HCl हो गया, HNO3 होता है, क्या होता है, HNO3 होता है, और उसी प्रकार से जैसे ये टूटेगा H+ और NO3- में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी प्रकार से H2SO4 आपका अम्ल होता है, जानते हैं आप लोग। तो इसी प्रकार से कहेंगे मतलब जितने बहुत सारे अम्ल होते हैं, तो यही हो गया आपका पूरा का पूरा जो है अम्ल, ठीक है। अब इसके आगे आइए चलिए देख लेते हैं एक और बात है इसमें, इसमें जो एक ये परिभाषा हो गई, उसके अलावा आप एक और परिभाषा देख सकते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ये लाल लिटमस, देखिए ये नीले लिटमस पेपर को, सॉरी देखिए नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसका ये भी एक प्रकार का परिभाषा हो गया, तो वो अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर जो होता है कि नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देते हैं, ठीक है, लाल को नीला नहीं, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अम्ल जो है इसमें नीले लिटमस पेपर को लाल लाल कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, वो कहलाता है अम्ल, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो भैया ये हो गया आपका अम्ल। आइए हम इसके बाद देखते हैं कि क्षार, क्षार की डेफिनेशन क्या होगी, इसका उदाहरण क्या होगा। तो क्षार को बोलते हैं बेस, ठीक है, इतना हो गया आपका, तो क्षार को बेस बोलते हैं। आइए देख लेते हैं क्षार की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल अम्ल अर्थात OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसमें यह शर्त है कि हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते ये, ठीक है, इतना क्लियर है। आइए मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, देखिए जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या कहते हैं, OH- आयन देते हैं,
ये क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, जिसको बेस कहते हैं, क्षार कहलाते हैं, देखिए क्षार कहलाते हैं। और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त तो कोई और आयन ऋणायन नहीं देते हैं, कहने का मतलब हाइड्रोक्सिल इसके ओएच माइनस के अलावा कोई और ऋणायन नहीं देते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो गया उदाहरण इसका, जैसे कि हम अगर लेंगे तो इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं, सबसे आसान उदाहरण क्या हो गया आपका NaOH, आप ले लीजिए, ठीक है। NaOH अगर टूटेगा तो Na प्लस और प्लस OH माइनस, तो ये जो OH माइनस आयन ये जो दे रहा है इसी के कारण ये कहलाएगा क्षार, ठीक है, क्षार अर्थात बेस। तो NaOH इसको टूटेगा तो क्या हो गया Na प्लस और OH माइनस, तो ये जो OH ये जो हमारी जो परिभाषा है वो ये फिट खा रही है, इसीलिए जो है इसमें ये क्या हुआ क्षार हुआ। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, OH माइनस आयन जो है ये दे रहा है, इसलिए ये जो है क्षार कहलाएगा। इतना क्लियर है। और ये इसमें जो इसकी विशेषता है, इसके अलावा आप इसे और क्या कर सकते हैं कि इस परिभाषा के अलावा और इसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो क्षार होते हैं ना, ये लाल लिटमस पेपर को, देखिए लाल लिटमस पेपर को ये क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को ये जो क्षार होते हैं वो नीला कर देते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था अम्ल में, वो जो नीला लिटमस पेपर था उसको लाल कर देता था अम्ल, लेकिन इसमें जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसकी ये विशेषता हो गई, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसी प्रकार से जैसे इसमें NaOH होता है, उसी प्रकार से इसका और भी उदाहरण है क्षार के, जैसे KOH हो गया, ठीक है, ये भी क्षार का उदाहरण हो गया। और KOH के अलावा क्या उदाहरण हो सकता है, NH4OH हो सकता है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, NH4OH हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आइए देखते हैं कि लवड़ क्या होते हैं, ठीक है। लवड़ की आइए देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी और इसका उदाहरण वगैरह क्या है, आइए देख लेते हैं लिख करके अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया जो लवड़ है ना, ये लवड़ इसको हम परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन के अतिरिक्त और जो ये हाइड्रोक्सिल आयन है OH- के अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम ऐसे कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, आइए लिखते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, जिनके जलीय विलयन में, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्या होगा हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, जिसको ब्रैकेट में हम लिख लेंगे H+ आयन, ठीक है ना, ये हो गया H+ आपका H+, और हाइड्रोजन आयन तथा और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH- आयन, ठीक है ना, OH-, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई और, अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, के अतिरिक्त कोई और ऋणायन हो, देखिए के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो वो लवड़ कहलाते हैं, लवड़ कहलाते हैं। इतना हो गया आपको क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जिसमें ना, देखिए अभी तक अम्ल में क्या था, जिसमें H+ होना चाहिए, क्षार में क्या था OH- होना चाहिए, लेकिन जो लवड़ है इसमें H+ और OH- में से कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, इन दोनों के अतिरिक्त मतलब कोई और ऋणायन होने चाहिए, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर मतलब इसके अलावा कोई और ऋणायन होने चाहिए। जैसे कि आइए मैं आपको समझाता हूँ, इसका आप उदाहरण देखिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण देखेंगे आप इसका, तो उदाहरण में हो गया आपका जैसे कि ZnSO4 जो है ये उदाहरण है लवड़ का, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ZN++ और प्लस SO4, देखो SO4 --, तो इसमें देखिए आपका ना इसमें H+ है ना इसमें OH- है, इसलिए जो है ये क्या हुआ आपका, ये हो गया लवड़, ठीक है। आप इसको NaCl भी आप कह सकते हैं, तो NaCl भी एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ETC, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लवड़, ठीक है। आई थिंक मैं जो आपको पढ़ाया समझाया ये सब एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह से आपकी तैयारी में बहुत अच्छे से कराता रहूं, सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो सब ऐसे खेल खेल में सारा आपको अच्छे से समझा दूं, पूरा तैयार करवा दूं, याद करवा दूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके स्टडीज रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे बहुत ही अच्छे से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको वो वीडियो जो है मिल पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।